हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं न्यू रेसिपी आप सबके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है नमक पारे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप इसे स्नैक्स के तौर पर किसी भी टाइम चाय के साथ ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नमक पारे। सबसे पहले मैं लूँगी एक बर्तन जिसमें हमें आटा गूंदना है। क्रश की हुई हाफ स्पून अजवाइन डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। एक बार इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैं 600 ग्राम मैदा ले रही हूँ, इसमें मैं 100 ग्राम मेल्टेड घी डालूंगी जो देसी है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब हमें इसे हल्के हाथों से, जैसा हम अपना रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमें इसे गूंदना है। हमें रोटी से इसे थोड़ा सा टाइट आटा इसे रोटी से हमें थोड़ा सा टाइट डो तैयार करना है। इस आटे में हमें मोयन को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि हमारी एकदम खस्ता जिससे कि हमारे एकदम खस्ता नमक पारे बनेंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। जितना पानी हमें आटा गूंथने में लगेगा उतना हमें धीरे धीरे करके डालना है। पानी आप हल्का सा गरम लेंगे। पानी एक साथ ज्यादा ना डालें वरना हमारा डो थोड़ा लूज हो जाएगा। हमें हल्का सा टाइट आटा चाहिए, इसी तरह मैं आटा लगा लूंगी। अब हमारा आटा गूंद चुका है। इस आटे को मैं 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट पर रखूंगी। इसको रेस्ट पर रखने से पहले हमें इसके ऊपर एक चम्मच घी लगा लेना है, जिससे कि यह ऊपर से सॉफ्ट बना रहेगा और इसे किसी अलग बर्तन में ढककर रख दूंगी। अब हमारे आटे को गूंदे हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार अच्छे से हाथ की हेल्प से इसको मैश कर लेंगे, जिससे कि ये हमारी एकदम खस्ता बने। मैश करने के लिए मैं ले रही हूँ ऐसी एक परात। इस आटे को मैं इसके अंदर निकाल लूंगी और एक बार हाथ की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हमारा आटा रेडी है नमक पारे बनाने के लिए। इस आटे को मैं अब 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। आप इसे हाथ से भी अलग कर सकते हैं और चाकू की हेल्प से भी। ये देखिए, अब मैंने इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब इसकी हम बनाएंगे, इसको हम साथ इन सबको हम एक अलग बाउल में डाल देंगे और इन्हें लीड से कवर रखेंगे ताकि इसके ऊपर नमी ना आए। लीड से कवर कर देंगे, इसको हाथ से ऐसे गोल शेप बना लेंगे। इस आटे को हम इस मैदा में ऊपर नीचे अच्छे से कवर कर देंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। हमें इसे एकदम पतला बेलना है, हमें इसे मोटा नहीं रखना। हम इसे जितना ज्यादा पतला करेंगे हमारे नमक पारे उतने ही खस्ता बनेंगे। ये देखिए, अब मैंने इसको बेल लिया। अब आप इसे चाकू की हेल्प से
किसी भी शेप में काट सकते हैं। इस तरह से मैं इसको शेप दे दूंगी नमक पारे के। ये चाकू से इजीली कट हो जाते हैं। इसी तरह से मैं सारे नमक पारे बेलकर रेडी कर लूंगी। अब इसे एक प्लेट में या किसी बर्तन में निकाल दीजिए। ये चाकू से आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, इसी तरह मैं सारे नमक पारे तैयार कर लूंगी। अब मैंने सभी नमक पारों को बेलकर और एक शेप देकर तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे इसे फ्राई। साथ में मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख रखा है। अब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, तो चलिए इसे अब करते हैं फ्राई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप करें मेरी वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्राई करना शुरू करते हैं। अब हमारा ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्राई करने से पहले हम इसके अंदर एक नमक पारे को डालकर देख लेते हैं। अगर यह तुरंत वापस ऊपर आ जाता है तो हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल परफेक्ट है फ्राई करने के लिए। अब मैं इसके अंदर जो हमने नमक पारे रेडी कर रखे हैं वो ऐसे डाल देते हैं। हमें इस टाइम पर मीडियम फ्लेम रखनी है। आप इन्हें किसी तरह भी डालिए, ये अपने आप अलग हो जाते हैं। ये देखिए, अब ये अपने आप तेल के अंदर अलग होने लग गए। फ्लेम को हमें लो नहीं रखना, वरना हमारे नमक पारों में ऑयल अंदर तक चला जाएगा और ये खस्ता भी नहीं बनेगा। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर जब तक ये ब्राउन होते हैं पकना, तब तक हमें इसी तरह से इनको फ्राई करना है। यह एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगे। जब हमारे नमक पारे बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि अब ये हमारे तैयार हो गए हैं, तो उस टाइम पर हमें फ्लेम को हाई कर देना है, ताकि हमारे एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो और ऑयल भी अंदर नहीं जाएगा। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और फ्लेम को हाई कर देते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमारे सारे नमक पारे बनकर तैयार हैं।